बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा प्याज की रेसिपी, बहुत ही आसान, सिंपल और सादे तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत ही सादे खाने बनाती हूँ और बहुत ही सादा और आसान तरीके से, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और जो हमारे किचन में मसाले होते हैं उसी से मैं डिशेज अपनी बनाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनती है और जायका हाथ में होना चाहिए। मसालों से कुछ नहीं होता, आप बहुत कम मसालों में बहुत जायकेदार खाना बना सकते हैं और मसाले जितने कम होते हैं इतने ही मज़ेदार खाना बनता है। रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कि बहुत ही कम मसालों में इतना मज़ेदार सा खाना हम कैसे बनाते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन, तो बर्तन मैं लेती हूँ हमेशा खुले मुँह का, तो आप भी खुले मुँह का बर्तन लें ताकि इसमें अच्छे से खाना पक भी सके और फूल भी सके। अब इस बर्तन को गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हाफ कप के करीब घी और इसके बाद मैं एक चम्मच डालूंगी यहाँ पे मिक्स गरम मसाला। तो जो मिक्स गरम मसाला है उसके अंदर तकरीबन सारे ही मसाले होते हैं, उसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, सभी मसाले होते हैं। वो मैं घी के अंदर डाल के उसको हल्का सा कड़कड़ाऊंगी और उसके बाद मैं डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूंगी यहाँ पे, हमने सिर्फ प्याज को फ्राई करना है और उसके साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी जी कीमा। तो कीमा यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी कि प्याज और कीमा इकट्ठे ही यहाँ पे फ्राई होगा। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जी मसाले। मसालों में सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको डाल के हमने इसको 5 से 10 मिनट फ्राई करना है, ताकि जो गोश्त का कच्चापन है वो भी निकल जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी निकल जाए और जो गोश्त की थोड़ी सी ही कोती है वो डालूंगी इसके अंदर। उसको मिक्स करूंगी और उसके साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और बस यहीं पे मैं डालूंगी इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, 1/2 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून भर के मैं पिसा हुआ धनिया डालूंगी और 1 टेबलस्पून भर के उसके अंदर मैं डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च का। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डालने हैं और इसको मिक्स करना है और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं उनकी हल्की सी जो कच्चापन होता है वो निकल। और बस यही सिंपल से ये मसाले हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। नमक हम डालेंगे इसको एंड पे। इस मसालों को डाल के मैंने यहाँ पे भूनना है और 5 से 10 मिनट यहाँ पे भूनेंगे ताकि जो मसालों का कच्चा पानी हो निकल जाए। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी, पानी यहाँ पे कीमे को गलाने के लिए मैं डालूंगी 1 से 1.5 कप पानी। इसको एक तेज़ आँच पर बॉयल दे लेंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं आँच को यहाँ मीडियम कर दूंगी और इसको मैं ढाँप के रख दूंगी ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद हम इसको बीच में चेक करते रहेंगे और यहाँ देखें जी, ये पानी में बॉयल आ गया है तो मैं इसको ढाँप दूंगी। तो ढाँपने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी और 15 से 20 मिनट के बाद आप ये देखें जी, पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है और कीमा है तो ये 20 मिनट में अच्छे से गल जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल इसका सारा ऊपर आ गया है और बस मैं अब अच्छी तरह से इसको मैं भून लूंगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक। और नमक यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा, वरना आप नॉर्मल ही नमक डालेंगे तो उससे ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। तो अगर आप कम नमक खाते हो तो कम भी शामिल कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा काट के रख लिया था क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो प्याज डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल ली है जी 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबाई के रुख काटा हुआ है। इसको मैं मिक्स करूँगी और यहाँ पे प्याज को हमने पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको नरम करना है क्योंकि हम कीमा प्याज बना रहे हैं। तो जब ये थोड़ी कच्ची कच्ची प्याज मुँह में आएगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी। तो बस इसके अंदर मैं डालूंगी जी थोड़ी सी दही। तो दही यहाँ पे मैंने 1/2 से भी कम ली है, तो वो डाल के जितनी देर में दही का पानी खुश्क होगा बस इतनी देर मैंने इसको भूनना है और उसके बाद ये जी कीमा प्याज की मज़ेदार रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको ये मेरी बहुत ही कम मसालों में बनी हुई कीमा प्याज की रेसिपी कैसी लगी है? तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक छोटे से सब्सक्राइब से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाजमी सपोर्ट करें। यहाँ पे जी मैंने बस इसको तेज़ आंच पे भूनना है और अच्छी तरह से हमने इसको भून के थोड़ी सी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे और यहाँ मेरी जो मज़ेदार सी कीमा प्याज की रेसिपी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।